दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको MDU डिस्टेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने सिखाने वाला हूँ। तो किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके से सर्च करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा, और जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिएगा, और यहाँ पर MDU आप चाहे तो MDU.ac.in जो भी लिखना चाहो, अदरवाइज MDU रोहतक भी सर्च कर दोगे जब भी आपको निकल के आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर, एक सेकंड मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लूँ, तो सिंपली आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डेट शीट वाले ऑप्शन पर जाओगे आप। जैसे आप यहाँ पर डेट शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट काम स्लो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा डेट शीट, तो यहाँ पर लिख रहा होगा एडमिट कार्ड फॉर BA & BCOM एनुअल सिस्ट फ्रेश NDD कोर्स फाइनल ईयर अक्टूबर एग्जाम। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जैसे BA का, तो यहाँ पर डेट शीट फॉर BA थर्ड ईयर एनुअल फर्स्ट DD है। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप बाय द वे मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो समझिएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है एडमिट कार्ड फॉर BA BCOM। तो यहाँ पर इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रोल नंबर है ये, एक सेकेंड। जैसे मैंने अपना रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मेरा यहाँ पर रोल नंबर निकल के आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप रोल नंबर निकाल पाओगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, आप चाहें तो बहुत ही आसानी से निकाल भी पाओगे, बहुत ही सिंपल है। बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ना भूलेगा, ताकि मैं इस तरह की जानकारी और भी देता रहूँ। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तो नमस्कार और जय हिंद जय भारत।